नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से आपको एक बार स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। इम्पोर्टेंस की बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, कंपनी के अभी फिलहाल के जो हालत है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो, कंपनी में चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक चलो। मगर मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी के कुछ मैं आज के दिन परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और जिस परफॉर्मेंस के कारण ही मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, कोई प्रेडिक्शन करके आपको नहीं बता पाएंगे कि फ्यूचर में वो कंपनी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और वो मतलब एक ब्लू चिप कंपनी बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे कोई बता नहीं सकते। हाँ, फिलहाल के कंपनी का जो सिनेरियो है, फिलहाल के जो सिचुएशन है, और कंपनी जो पास्ट में जो मतलब कंस्टेंट जो जो कंटिन्यू जो किया हुआ है, जो रिजल्ट कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली जो ग्रोथ किया है, उसके बेसिस से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के एक मतलब जाने माने एक पेंट्स कंपनी के बारे में। देखिए, पेंट्स इंडस्ट्रीज में जो लीडर है वो है एशियन पेंट, उसके बाद जो है वो है बर्जर पेंट। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो उसी के रिलेटेड और एक कंपनी के बारे में, इसका नाम है इंडिगो पेंट। तो इंडिगो पेंट आप सभी जानते हैं, ये इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है इसका मतलब कंपनी जबरदस्त है, ऐसे बिल्कुल नहीं होते। बहुत सारे कंपनीज में अमिताभ बच्चन भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, मगर वो कंपनी का हालत अभी बहुत खराब है। तो इसको देखकर सोचकर निवेश मत करिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के अंदर होते हैं कि उस कंपनी में मैं निवेश करूं, इसका ब्रांड एम्बेसडर है ये, इस मतलब कोई स्टार ने उसको एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो चलो उस कंपनी के ऊपर निवेश कर दो, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी का जब आप हालत अच्छे है तो ब्रांड एम्बेसडर वो है, अगर हालत खराब हो जाएगा तो वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक उसको पैसा मिलेगा वो तब तक इस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे, जब उसको पैसा मिलना बंद हो जाएगा तब वो इस कंपनी को छोड़ देंगे। तो ये सिंपल सी बात आपको दिमाग में होना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा इंडिगो पेंट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूँ, रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारा स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। और जितने सारे कमेंट्स मेरे दोस्तों ने किया हुआ, मतलब जितने सारे कमेंट आपने किए होंगे, तो मैं फुलफिल जरूर करता हूँ और उसी के ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। तो आपको भी कुछ मतलब जानकारी चाहिए, कोई नया स्टॉक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज की स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले चार बार सोच लेना। क्यों बता रहे हो चार बार? क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अराउंड आप देखेंगे तो 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो 7.75 करोड़ का अराउंड, आप 8 करोड़ भी बोल सकते हैं। तो 8 करोड़ मतलब सॉरी 8,000 करोड़, तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है इसका, मतलब कितना छोटा कंपनी है। छोटा कंपनी मतलब हाई रिस्क और बड़ा कंपनी मतलब लो रिस्क, इस बात को आपको पहले से ही सोचना चाहिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। देखिए, पैसा आपका है, निवेश कहाँ करेंगे वो खुद डिसीजन आप ले सकते हैं, मगर मेरा जो अटेंशन है, मेरा जो मतलब मकसद है, वो एक्चुअली आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना और उस कंपनी के बारे में डिटेल्स आपके सामने पेश करना। तो आप डिसीजन खुद लेंगे कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए और कौन सा के ऊपर नहीं। तो चलो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जान लेता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडिगो जो पेंट्स है आप विकीपीडिया के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं, तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, इंडिया पेंट्स एक्चुअली इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पुणे महाराष्ट्र में है, और इसका 3 फैक्ट्रीज है अलग अलग लोकेशन में, जैसे जोधपुर में है, कोची में है, और अभी देखिए पुडुकोटाई में है। तो ये तीनों लोकेशन इसका इस कंपनी का बिजनेस का एक्चुअली जगह है, मतलब बिजनेस मतलब सॉरी इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्रीज है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेलिंग्स भी करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं इसका प्रोडक्ट, जैसे इसका जो प्रोडक्ट्स है, जो पेंट्स है, यहाँ पे देखिए एमुलेशंस है, साथ ही साथ इनिमल्स है एंड वुड कोटिंग्स भी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिस्टेम्पर भी है, प्राइमर भी है, पुटिंग्स भी है, सीमेंट्स भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए कंपनी का जो ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं वो पेंट इन सेक्टर से आते हैं, तो उसके बाद बाकी अलग अलग सेक्टर से भी कंपनी का मतलब सॉरी सेक्टर नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट से कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। तो इस कंपनी के
एक्चुअली कंपनी के एक चीज में आपको बार बार बोलता हूँ, जितने सारे पेंट इंडस्ट्री होते हैं वो एक्चुअली एक केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब पेंट्स जो जितने सारे सेक्टर्स होते हैं वो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े होते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक खतरा जो अभी चल रहा है वो सबसे बड़ी बात होते हैं, वो है क्रूड ऑयल का प्राइस। देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस, जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो जितना बढ़ेगा, मतलब देखिए हमारा इंडिया में तो क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और ज़्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है अराउंड 70% से भी ज़्यादा, 70+% से भी ज़्यादा बाहर से मंगाना पड़ता है। इसका मतलब आप सोच लीजिए, जितना ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस कंपनी, इस टाइप कंपनी के ऊपर, क्योंकि ये जो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, ये जो कंपनी काम करते हैं वो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। तो क्रूड ऑयल की भी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल से भी इसका प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में जाकर देखेंगे जो पहले जो पेंट का जो प्राइस था, अभी वो पेंट का प्राइस हाइक हो चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं। इसका कारण एक ही है, क्योंकि वर्ल्ड बेसिस मार्केट में जितना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना ही इम्पैक्ट इस टाइप कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनल सेल रिपोर्ट के बारे में। तो इस बार कंपनी ने जो फाइनल सेल रिपोर्ट पेश किया वो बहुत मुझे शानदार लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे लाखों में है, 29,800। चलो मैं एक बार आपको फिगरेशन में बता देता हूँ, अराउंड 290 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 255 करोड़, और पिछले साल में था 267 करोड़। इसका मतलब देख लीजिए, फिगर देखा जाए तो इस बार सबसे ज़्यादा इनकम हुआ। तो पिछले बार सॉरी एक्सपेंस कितना हुआ, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 243 करोड़, जो पिछले बार था 200, यहाँ पे आप देखेंगे तो 218 करोड़, और पिछले साल में था 234 करोड़। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी ने उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ। अभी देखने कंपनी का टोटल प्रॉफिट के बारे में, तो टोटल नेट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा आप टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ से देखिए, तो अराउंड आप देखेंगे 3,458 करोड़, इसका मतलब 34 अराउंड आप बोल सकते हैं 35 करोड़। तो 35 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया इस बार। तो पिछले बार कितना था, 25 करोड़ बोल सकते हैं पिछले बार था, और पिछले साल में कितना था, 24 करोड़। इसका मतलब देखिए साल भर में ग्रोथ हुआ, और साथ ही क्वार्टर भर में भी ग्रोथ हुआ। तो ये एक पॉइंट्स है, जिसलिए देखिए यहाँ पे देखिए इतना शानदार, मतलब अराउंड 10 करोड़ का कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया। देखिए आप कहेंगे सर 10 करोड़ इसमें क्या होगा, देखिए 7,000 करोड़ का कंपनी, 7,500 करोड़ का कंपनी ने 10 करोड़ का क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट किया, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इसी के लिए मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी का रिजल्ट के ऊपर। तो इसीलिए देखिए जब रिजल्ट आया पिछले दिनों में, स्टॉक में आप देखेंगे किस तरीके से छलांग देखने का मिला। तो अचानक मॉर्निंग से जो मार्केट चल रहा था एक साइड बेसिस, अचानक इस टाइम में क्यों छलांग हुआ, इसका जो मेन रीजन है वो है Q4 का रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट किया, इसी बेसिस से कंपनी का तेजी हुआ। क्या इस तेजी को फॉलो करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये जो काम है वो इंट्राडे लेवल का काम है, इंट्राडे लेवल में इस तरीके से तेजी होते हैं, गिरावट होते हैं, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं। न्यूज बेसिस काम होते हैं, एक मार्केट मतलब ट्रेडर बेसिस काम होते हैं, ऑपरेटर बेसिस काम होते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना नहीं है। आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे तो चलो इस कंपनी कितना बेस्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर देता हूँ। तो आप कहेंगे सर 38% लॉसेस चल रहा है, जो कंपनी का लॉसेस अभी 38% चल रहा है, तो उस कंपनी में मैं क्या रिस्क लूँ, क्या मैं रिस्क लेना चाहूंगा, तो चलो उसके बारे में भी तो यहाँ पे बात करूंगा। तो देखो कंपनी का जो रिजल्ट है, मैं सिर्फ इस बार के रिजल्ट नहीं हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको दिखा दूँ, तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट हर साल हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। इस बार तो कंपनी 35 करोड़ तक तो पहुंच गया, जो पिछले बार था 24 करोड़। तो उसके बाद आप मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो देखिए बीच बीच में कंपनी ने लॉसेस किया, जैसे इस बार लॉसेस किया, यहाँ पे भी लॉसेस किया, यहाँ पे भी लॉसेस किया। तो उसके बाद देखिए 2018 के बाद कंपनी ने एक बार भी लॉसेस नहीं किया। तो देखिए बहुत सारे कंपनीज है जो पहले तो लॉस करते थे, पहले तो छोटा मोटा प्रॉफिट अमाउंट आते थे, उसके बाद लॉसेस भी करते थे। तो उसके बाद देखिए कंपनी 2018 के बाद इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा, क्योंकि 3 करोड़ 2018 में, उसके बाद देखिए 27 करोड़, उसके बाद देखिए अराउंड 50 करोड़, उसके बाद 70 करोड़, उसके बाद 84 करोड़। इसका मतलब ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो आपके सामने ही है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी तो मुझे लॉसेस दिया, देखिए लॉसेस आपको दिया, मगर देखिए जिस कंपनी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, देखिए कंपनी में रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इस दोनों फिगर को आप एक बार देख लीजिए, ये कितना मतलब कितना पॉजिटिविटी यहाँ पे ग्रोथ है।
तो जो कंपनी का इतना सारा ग्रोथ है, आज शायद वो कंपनी लॉसेस आपको दे रहा है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में आपको इस तरीके से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो देखिए कंपनी के, देखिए हर पैरामीटर देखेंगे, कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में लगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी बहुत हाई है, क्योंकि 91 1 रुपया पाने के लिए आपको 90 रुपीज़ पे करना, ये बहुत मुझे थोड़ा सा महंगाई लग रहा है। तो महंगाई में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके रीज़न आप खुद ही चूज करिए। कंपनी के मतलब इनकम भी देखिए, एनुअल इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप एकदम ना के बराबर है, तो अब इस कंपनी को डेप फ्री बोल सकते हैं। तो जितने सारे डेप फ्री कंपनी होगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अभी देखना था कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कितने एग्रेसिव इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे देखिए एफआईएस के पास पहले तो 10% था, अभी वो माल बेच के थोड़ा सा 8% बना चुके हैं। देखिए एफआईएस का माल बेचने का कोई इरादा नहीं था, मगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से जो रशिया यूक्रेन के बीच जो मतलब युद्ध चल रहा था, साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट में जो इन्फ्लुएंसी रेट के ऊपर जो इम्पैक्ट चल रहा था, उसी के बेसिस से सबसे ज़्यादा मार्केट में माल बेचा इस क्वार्टर में, मतलब दिसंबर टू मार्च इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा माल बेचा एफआईएस ने। तो इसीलिए देखिए उसका स्टेक थोड़ा सा कम हुआ। उसका फ़ायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया। डीएस ने देखिए 3.61% का होल्डिंग रखा, पब्लिक ने भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, और प्रोमोटर के पास तो 54% होल्डिंग है ही। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी रिस्की है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी रिस्की है, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिए। मेरे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर आप निवेश कर देंगे, ऐसे मत करिएगा। आपका पैसा है, थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करिएगा। अब थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले एक बार उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो इसी तरीके से वीडियो में लेके आता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।